हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष। जैसे कि आप जानते हो, मेरे चैनल स्विमिंग बाय मनीष, दूसरे चैनल टेक्निकल लवली मनीष, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो आज हम आई बटन में जो मैं लिंक दूंगा वो मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, उस पर मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आपको 16 फुट गहरा में डाइव दिखाएंगे प्रॉपर, मतलब पूरा नीचे जब जा रहे थे उसके बाद जब ऊपर कैसे आते हैं ये चीज़ भी आपको पता चल जाएगी। उसके बाद थोड़ी ये भी दिखाएंगे कि जो डाइविंग पॉइंट होते हैं, बड़े बड़े डाइविंग पॉइंट होते हैं, उनसे डाइव कैसे मारते हैं, कैसे नहीं मारनी चाहिए, कैसे मारते ये नहीं बताऊंगा, कैसे नहीं मारनी चाहिए ये मैं बताऊंगा, मतलब कि उसका मतलब कि सेफली कैसे रहना है। तो चलो आज डाइविंग पॉइंट के ऊपर दिखा दें थोड़ी सी, मतलब कि 16 फुट गहरे में जाना इसे क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर आप 16 फुट गहरे में जाते हो तो आपके कानों में बहुत प्रेशर पड़ता है, मतलब कि मैं 3 बार पानी के अंदर 16 फुट गहरे में गया और मेरे कान अभी तक दुख रहे हैं, मतलब कि ये मैं दूसरे दिन शूट कर रहा हूँ और मेरे कान अभी तक दुख रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से कुछ टिप्स दे देना चाहता हूँ। अगर आपको डॉल्फिन आती है तो जानवर नहीं, अगर आप 16 फुट में जा रहे हो तो आपको डॉल्फिन आती होगी, ठीक है। डॉल्फिन आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप फ्री के भी पैर चला सकते हो। ऊपर आने के लिए क्या करता हूँ, तो ऐसे करके डॉल्फिन करते हैं, हम ऊपर आ जाते हैं। डॉल्फिन की मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हो। अदरवाइज आप फ्री के पैर चलाओगे तो भी तेज आ जाओगे, ब्रेस्ट के चलाओगे तो भी आ जाओगे, और हाथ को ऊपर आने के लिए हाथ को ऐसे नीचे प्रेस करते हैं तो भी हम जल्दी ऊपर आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको डाइविंग की वीडियो दिखाते हैं। उसके बीच में हम जो पूल दिखाऊंगे वो 50 मीटर का पूल है और गहरा वो 16 फुट से ज़्यादा है, ठीक है। बाकी आप कैमरे में देख ही लोगे, पानी के अंडर वाटर दिखाई है, मैंने सारा दिखाई है। तो नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोनों चैनल आप देख सकते हो, टेक्निकल लवली मनी, स्विमिंग बाय मनी, तो इनको भी सपोर्ट करना। स्विमिंग बाय मनी तो आप करते ही हो, तो टेक्निकल लवली मनी को भी सपोर्ट करना। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब क्या है, सभी जाके मुझे फॉलो कर दो, लाइक कर दो, जो आपने करना कर लो। तो चलो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले पूल दिखा देते हैं। ये डाइविंग पॉइंट देख सकते हो, ये प्रोफेशनल डाइविंग पॉइंट, थोड़े और भी होते हैं, मतलब कि ये ऐसे इतनी ऊंचाई में रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से डाइविंग पॉइंट थे, यहाँ से आपको पूल मिलेगा 3 फुट से लेके यहाँ तक रेलिंग लगी हुई है, ये लैंड से बीच में देख रहे हो, ये है यहाँ तक है 8 फुट का। उसके बाद एकदम डीप में जाता है 16 फुट, मतलब कि 18 फुट कन्फर्म नहीं पता, पर 16 फुट से ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पूल में हम डाइविंग मारनी दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको फ्री स्टाइल दिखा देते हैं जो कि आपको वो भी दिख जाएगा। उसके बाद आप हम ब्रेस्ट स्ट्रोक भी दिखा देंगे, तो ब्रेस्ट स्ट्रोक के ऊपर मैंने वीडियो बनानी है, बस ये चीज़ मैं आपको फॉरवर्ड में दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चेक कर सकते हो वहाँ पे जहाँ से फ्री स्टाइल सांतून कर रहा है, ये एक लाइफ गार्ड है, ये फ्री स्टाइल कर रहा है, ये इसने 3 मीटर से स्टार्ट किया, पर ये 100 मीटर, मतलब कि ये 50 मीटर का पूल है, ठीक है फ्रेंड्स। चेक कर सकते हो 8 मीटर से एकदम डीप को जो लाइनें जा रही है वो डीप में जा रही हैं, ठीक है। इसमें डाइविंग कैसे मानी है वो हम आपको दिखाएंगे। ये फ्री स्टाइल आपने देखा इसने 50 मीटर किया, अब डीप वाटर से हम ब्रेस्ट स्ट्रोक दिखा रहा हूँ। ब्रेस्ट स्ट्रोक के ये 2 टेक्निक्स रहते हैं, एक जो मैं बताता हूँ वो नहीं, मतलब कि जो जेनुइन चलती है, मतलब कि इस तरह भी आप ब्रेस्ट स्ट्रोक कर सकते हो। एक टेक्निक और होती है जो कि मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा, जिसमें क्या होता है कि इसमें नीज ज़्यादा नहीं ओपन होती, जैसे इसमें नीज ओपन हो रहे हैं उसमें नीज नहीं ओपन होते, ये मैं फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ। तो चलो अब डीप वाटर में 16 फुट गहरे में अपने डाइव लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने सिंगल एल मतलब कि H9R कैमरा पकड़ा था, पर 16 फुट गहरे में जाते तो कानों पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है पूछो, मतलब ये कैमरा मैं रेडी कर लेता हूँ। तो इस कैमरे का शूट भी मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल आप पहले जो मेरे मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ इसका शूट देख रहे हो। तो कैमरा अपना तैयार है जाने के लिए, H9R पता नहीं क्या होगा पानी में जाके, तो वो गॉगल्स लगा के तैयार हो जाते हैं, ये हमने लगा लिए गॉगल्स और कैमरा चल रहा है अपना। तो अभी देख रहे हैं इसका शूट, जैसे ही ये खत्म होगा नाली आप हम आपको इसका गहरा दिखाएंगे कि गहरा क्या है। और साउंड भी मैं वही रखूंगा, मैं साउंड बैकग्राउंड में ये चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड में जब साउंड लाते हैं तो थोड़ा अलग रहता है। तो डीप वाटर में डाइव मारने के लिए तैयार है, ये 16 फुट है, ठीक है। पानी के अंदर आपको पूरा फील आएगा कि जैसे हम जा रहे हैं। डाइव मारते समय ध्यान रखना कि आपको साइकिलिंग या फिर फ्री स्टाइल या फिर मतलब कि आपको अच्छे से गहरे पानी में रुकना, मतलब कि गहरे पानी में कैसे स्टे करते हैं वो चीज़ आनी चाहिए। तो मैं लेके गया था कि एक हाथ से मेरा मतलब कि एक हाथ से पूरा हाथ चल नहीं पाया, एक हाथ में कैमरा था तो जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अभी जो मैं उस कैमरे से शूट किया हुआ है मैं अभी वो दिखाऊंगा, जिसके कारण मैं अपनी जो ओरिजिनल साउंड थी उस कैमरे की वही आएगी, तो जिसमें आपको पानी की आवाज़ भी अच्छे से सुनेगी, ठीक है फ्रेंड्स। एक हाथ से मतलब कि एक प्रेशर नहीं पड़ पा रहा था, वो आपको पता चल जाएगा जब मैं कैमरा शूट कर रहा था, कैमरे के हाथ ही शूट कर रहा था।
मतलब कि अभी कैमरे में बाद में मैं अच्छे से दिखाऊंगा जो कि कैमरा कोई और हैंडल करेगा, और मैं आपको दिखाऊंगा गहरे बने 16 फीट डीप में है नीचे तक जाके। और डोलफील का बहुत रोल रहता है इसमें ऊपर आने के लिए, अगर आपको डोलफील आती है तो। अभी आप चेक कर सकते हो कि गहरे पानी में कैसे रुकना है। एक हाथ में मेरा कैमरा है, एक हाथ में चला रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ, ये चीज़ आनी चाहिए आपको, जरूरी है। तो अब आप शूटिंग देखो जो मैंने दूसरे कैमरे से की है, और उसके बाद मैं आपको टिप्स बताऊंगा, तो चलो उस कैमरे से देखो। तो फ्रेंड्स अब हम जाएंगे 16 फुट में, क्योंकि कानों में प्रेशर पड़ता है, एक हाथ में कैमरा है तो दिक्कत हो सकती है। तो 16 फुट, ओके, 1 2 3। एक हाथ से नहीं जाया जा रहा है, एक हाथ से नहीं जाया जा रहा है, बट 16 फुट दिखाता हूँ, एक हाथ से जाया नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स बैकग्राउंड में पानी का साउंड आ रहा है, वो मैंने इसलिए कैंसिल नहीं किया गया ताकि आपको फील हो कि आप पानी में खड़े हो। तो फ्रेंड्स ये है 16 फुट गहरा, ठीक है, मतलब कि 16 फुट से ज़्यादा ही लग रहा है ये, पर फिर भी हम 16 फुट मान लेते हैं, 16 फुट से ज़्यादा ही है। तो ये 16 फुट गहरा है, और हम आपको जो मैंने डाइव मारी थी और कैमरा किसी और दोस्त ने पकड़ा था मेरे, ठीक है फ्रेंड्स, तपस ने कैमरा पकड़ा था, कैमरा का रोल अदा तपस ने किया था। तो साइकिलिंग आपको आनी बहुत जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। पहला शॉट आपने देखा था जो कि मैंने कैमरे से किया हुआ था, अब आप देख रहे हो H9R कैमरे से। तो ये देख सकते हो कि मैं मतलब कि एक हाथ से नीचे तक नहीं जा पा रहा, क्योंकि एक हाथ में कैमरा था, मुझे दिखाना भी था। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल ये दोनों आने चाहिए। अब हम दिखाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा डीप वाटर में 16 फुट में जाके। ये डाइव मारने के बाद आप जैसे पीटी में हाथ ऊपर जोड़ते हो ना, ऐसे जोड़ोगे तो आप इजीली चले जाओगे, ठीक है। और ये मैं पीछे हल्का सा पूछ लेंगे, डोलफिल करो, डोलफिल की मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको नहीं आती तो आप देख भी सकते हो। डोलफिल करनी है आपने इजिली। एक तो ये जंप होती है जो आप सीधा करके मारते हो, इसमें ज़्यादातर सेफ रहता है, पर कानों में प्रेशर जाता है ना, जब आप 16 फुट जाते हो तो कानों में बहुत ज़्यादा प्रेशर जाता है। तो एक डाइव रहती है ये वाली, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी थोड़ा रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो अंडर वाटर में करते हैं हम वो करते हैं, पर डॉल्फिन इसमें इंपॉर्टेंट रहती है। अदरवाइज आप फ्री के भी पैर मार के आ सकते हो, पर फ्री के पैर मार, जब हम फ्री के पैर चलाते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा जोर लगता है पानी में, ठीक है, तो डॉल्फिन में इतना जोर नहीं लगता, ठीक है फ्रेंड्स, और जल्दी हम आगे आ जाते हैं। तो ये डाइव दिखा देते हैं, ये डाइव अभी मार रहा है 15 फुट से, इसके 3 लैप रहते हैं, एक 10 फुट का रहता है, एक 15 फुट का रहता है, और एक रहता है 20 फुट का, ठीक है फ्रेंड्स, उनकी ऊंचाई जो रहती है। तो अभी इसने 15 फुट से मारी, जो इसने डाइव मारी है, ये लंबा कैमरा उसके लिए सॉरी, मतलब कि नहीं मैं सॉरी मांग रहा, पर याद रखना जब भी आपने डाइव मारनी है तो आपके हाथ पैर अलग नहीं होने चाहिए। अगर आप हाथ पैर अपनी बॉडी के साथ जोड़ लेते हो तो सीधा डीप में जाओगे नीचे, और हल्का सा पैर टच करके ऊपर आ सकते हो, नहीं तो आप डोल फिल करके भी ऊपर आ सकते हो। अगर आप हाथ पैर मारोगे तो आपका अगर बैलेंस बिगड़ जाता है और आपके हाथ पे भी चोट लग सकती है, पैर पे भी चोट लग सकती है। ये जो डाइव मार रहा है ये लाइफ गार्ड है, तो इसको तो बचना आता है, अगर इसके लग भी गए तो ज़्यादा इतना मतलब कि सीन नहीं होगा ना, समझ सकते हो ना। मतलब कि जो ये डाइव मार रहा है इसमें ठीक है, ये ऐसे मार सकते हैं, पर ऐसे हाथ पैर नहीं चलाने चाहिए जब भी हम डाइव मारते हैं, हमें एकदम सीधा आना चाहिए, ठीक है, जो हाथ पैर ऊपर चल रहे थे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पैर जाने चाहिए, अगर हेड भी जा रहे हैं तो आपके सेफ होने चाहिए। ये चेक कर सकते हो, जो मैंने पहले ने डीप वाटर मारी थी तो ये मैंने ऐसे गया था पानी के अंदर। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और इसमें मैं आपको साइकिलिंग भी देखने को मिली होगी। तो थैंक्स फॉर द वीडियो, तो चलो एंड करते हैं वीडियो का। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है। मेरी साउंड क्वालिटी थोड़ी ऐसी आई है क्योंकि वो बैकग्राउंड में म्यूजिक मैंने बाद में दिया है, क्योंकि पानी के अंदर जब ज़्यादा कैमरा उसमें साउंड तो दे नहीं सकते, तो बाद में दिया है तो साउंड में ज़्यादा शोर आ रहा है, उसके लिए सॉरी मांग लेता हूँ। बट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, क्योंकि 16 फुट गहरे जाने में कानों की दही हो जाती है, मतलब कि कानों में पूरा प्रेशर पड़ता है, पूरा दबा के, मतलब कि अगर 2-3 मिनट और रह जाओ कानों का पर्दे ख़त्म, सुनना बंद, बाद में ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। बट क्या होता है कि अगर कान में पानी चला जाए करना क्या है, कान में पानी चला जाए आप ऐसे मार सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर से मार सकते हो, दोनों हाथों को कानों को दोनों हाथों से ऐसे प्रेस करोगे तो भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। नाक बंद करके आपने ज़ोर से हवा सांस लेने की कोशिश करनी है तो भी कान के पर्दे खुल जाते हैं और कान में से पानी पूरी होता है जो बाहर आ जाता है। ये कुछ ट्रिक्स लगती है कि कान में पानी चला जाए तो ये करना है, अगर नाक में पानी चला जाए तो क्या करना है, ब्रीथिंग करने से नाक में पानी जाने से सबसे जल्दी सही हो जाते हैं। क्या होता है कि एकदम खांसी से आने लग जाती है, जल्दी नाक में पानी चला जाए तो सांस लेने दिक्कत हो जाए, ब्रीथिंग करते रहेंगे ना, हल्की हल्की ब्रीथिंग करने लग जाते हैं तो वो सही हो जाता है, उनके दिमाग में जो होता है वो सही हो जाता है, उनकी सारा सिस्टम सही हो जाता है। मेन तो मेरा तो यही है, बाकी आपका क्या ओपिनियन मुझे बता देना, पर मेन यही चीज़ रहती है कि मेरे नाक में पानी चला जाता है बाई चांस, तो मैं ब्रीथिंग करता हूँ 2 मिनट रुक के, 2 मिनट में ब्रीथिंग स्टार्ट कर देता हूँ,
तो ब्रीथिंग करने से थोड़ा मतलब कि सिस्टम सही बैठ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और नेक्स्ट वीडियो किस पे है हैशटैग लगा के मुझे बता देना। और बैक पे आ रही है काफ़ी, बैक पे बता दो। पर मैं सोच रहा हूँ कि फ्री पे जो थोड़े बहुत टॉपिक्स रहते हैं वो मैं कवर कर लूँ। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया मैं, इस अगले वीक में आपको मिलेगी नेशनल टाइम ट्रायल की वीडियोस, तो वेट कर लो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। फ्रेंड्स, ये चैनल है मेरा स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हो। ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर आप मेरी मोबाइल की अनबॉक्सिंग देखते हो। अगर नहीं देखते तो सब्सक्राइब कर लेना, आई बटन में था, डिस्क्रिप्शन में था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।